पता नहीं कब इसका समय कैसा आ जाए और समय के अनुसार राजा भिखारी हो जाता है, समय के अनुसार जो भिखारी है वो राजा बन जाता है। परीक्षण महाराज मैं तो सच कहेंगे जिनका चार तलाव से अपराध हुआ है व्यास जी के पुत्र। जब उन्हें खबर मिली तो लंबे लंबे केसों को बिखेरे हुए चले आ रहे। जैसे ही व्यास जी ने अपने बेटा को आता हुआ देखा आसन छोड़ करके खड़े हो गए और अपने बेटा सुखदेव को व्यास जी ने प्रणाम किया। परीक्षण को शंका हो गई, ऐसा तो गृहस्थ जीवन में नहीं होता है कि कोई भी पिता अपने पुत्र को प्रणाम करे, ये तो बड़ी उल्टी रीति है। व्यास जी कहने लगे परीक्षण तुम सही सोच रहे हो, कभी कोई पिता अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करेगा, कभी कोई पिता अपने पुत्र के लिए आसन छोड़ करके खड़ा नहीं होगा। मैंने सुखदेव को प्रणाम नहीं किया है बल्कि सुखदेव के ज्ञान को प्रणाम किया है। ज्ञानी पुरुष चाहे तो उम्र में छोटा हो चाहे उम्र में बड़ा हो वो हमेशा सम्मान के योग्य होता है। मैंने ज्ञान को प्रणाम किया सुखदेव को नहीं, क्योंकि सुखदेव जैसा ज्ञानी कोई सारे संसार में नहीं है, इसलिए मैंने सुखदेव के ज्ञान को प्रणाम किया है, सुखदेव को प्रणाम नहीं किया। सुखदेव ज्ञानी है, ज्ञान में हमसे ज्यादा है, चाहे वो छोटे हैं या कुछ भी है, लेकिन उनको मैंने प्रणाम किया है। बैठे सुखदेव जी आसन पर विराजमान हुए, बोले महाराज परीक्षण मरने से डर लगता है? बिल्कुल नहीं, मरने से नहीं डरता, डर तो केवल एक ही है, मुझे तक्षक लाभ सिगा और सर्प का काटा हुआ का भोग भी मिल जाता है, उद्धार नहीं होता। बोले तुम भगवान की कथा प्रेम से श्रवण करो, तक्षक लाभ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन सी कथा सुनेंगे? भगवान के अवतार कितने हैं? 24। 12 अवतार भगवान ने कब धारण किया? तो श्री सुखदेव जी बोले ही राजा परीक्षित जब यह संसार शून्य था, चारों तरफ जल ही जल का कुछ था ही नहीं, तब पार ब्रह्म की नाभि से एक प्रकटा कमल महान और कमल कली ब्रह्मा जने जिन रच दो जहां। जल ही जल था कुछ था ही नहीं, भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ, कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम चार पुत्रों को जन्म दिया, कौन कौन?
जब हुए तो ब्रह्मा जी बोले हमसे वरदान मांग लो। तो चारों कहने लगे जो वरदान आप हमें देना चाहते हो कि यदि देते हो वरदान प्रभु तो प्रभु की प्रेम में सनी नहीं माया को मैं कोई असर पड़े वो पांच ही बरस के बने रहे। भगवान का वरदान करते रहे माया से दूर रहे और केवल पांच ही साल में बने रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया पांच वर्ष का बच्चा सृष्टि को आगे बढ़ाएगा नाम रख दिया रुद्र जिन्हें भोलेनाथ कहते हैं। भोले बाबा क्रोध से पैदा हुए तो सारी तामसी संतानें उत्पन्न कर इंसान बनाए तो कौ के आंखें लगाते ना कौ के शरीर व्याधियां भी लगा कौ के एकम नाक ना कौ के पूरे शरीर बना के कौ के मुंह है तो दांत ना है दांत है तो मुंह ना कौ के हाथ ना तो कौ के पांव ना है कौ को शरीर से लड़का तो आ जाए ना तो कौ को धड़न धड़ जाए ना वो सर है ना। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रही हो ये तो सृष्टि बसने से पहले ही उजड़ जाएगी जाओ तुम जाकर के भजन करो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। भोले बाबा चले गए अंगराज ऋषियों को जन्म दिया है रहने देव ऋषि नारद भी आते हैं फिर भी सृष्टि नहीं बड़ी। एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम सरस्वती रखा सरस्वती बड़ी सुंदर थी देखने में। तो ब्रह्मा जी बोले ये स्त्री है तो मैं पुरुष हूं क्यों नहीं उसी की मदद ले सृष्टि आगे बढ़ाने में। देव से नारद समझ गए कहने लगे पिताजी ये क्या सोच रहे हैं आप जब आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचोगे तो आने वाले पिता अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचेंगे तुम्हें मन सा पाप लग गया लाभ तुम्हारी संसार में कहीं फिर नहीं होगी। आपने ब्रह्मा जी का मंत्र नहीं देखा होगा परीक्षण वाला एक मंदिर है पुष्कर में राजस्थान में बताते हैं लेकिन देखा हमने भी नहीं है। पुष्कर शरीर के दो भाग किए ब्रह्मा जी ने शैव मन शत्रु का जिनकी संतानें हम आज पृथ्वी पर देख रही है। इधर एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले गाते हुए जा रहे हैं ताली बजा करके बोले